हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12th का हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, उसकी हम कंटिन्यूटी के ऊपर ही एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी अभी तक हम चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट है वो सारा ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, आपको फंक्शन क्या रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूड एट द एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू एन, एन इन बिलोंग्स टू आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास ये नंबर आपको कहा गया है, ठीक है। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट एक्स टेंस टू एन, आपके पास फंक्शन अपना लेंगे एंड लिमिट फंक्शन आपके पास इन्होंने गिवन आपको क्या है, एक्स की पावर एन, आपने एक्स की जगह इनपुट किया तो एन की वैल्यू एन आ गई पावर, ठीक है, एंड आपके पास फंक्शन की वैल्यू एट डायरेक्ट एन मीन्स एट इक्वल एन पर आपके पास, तो इसमें आप पुट करेंगे तो एन की पावर एन बन जाएगा। अब सिंस आपके पास बिकॉज, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू एन फंक्शन इक्वल टू आपके पास किस चीज के इक्वल है, फंक्शन ऑफ एट एन के ऊपर, ठीक है, ये आपका एक्स है, ये एन आपके पास, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, सो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, क्लियर। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर फिफ्थ, इसके अंदर में क्या कह रहे हैं, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ठीक है, आपको एफ फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है वो आपको टू पार्ट्स के अंदर दे रहा है, एक्स इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल देन वन, ठीक है, एंड फाइव इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये आपको चेक करना है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जीरो पर चेक कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट फॉर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब x इज इक्वल टू जीरो है तो आपके पास आपका जो फंक्शन है जीरो क्या होगी, वन से लेस देन वैल्यू होगी, सो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, अकेला x हो जाएगा, ठीक है, सो फंक्शन इज इक्वल टू x आपके पास। नाउ आपने फंक्शन इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन आपके पास, ठीक है, और फंक्शन आपके पास क्या है, x है, आपने x की जगह जीरो पुट किया, जीरो आ गया, क्लियर, एंड आपके पास फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट एट जीरो पर आप देखेंगे, ठीक है, जीरो पर आपके पास, तो क्या बनेगी, फंक्शन आपका एक्स है तो इसके अंदर जीरो पुट किया, जीरो हो गया आपके पास, ठीक है, बिकॉज जो आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शन एट जीरो हो गया, ठीक है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, इसलिए फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका कंटिन्यूस बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। अब यही चीज अगर आपको टू पर कही गई होती, ठीक है, क्योंकि वन के लिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट और राइट के अलग अलग फंक्शन बनते हैं, तो पहले हम जो बात कर लेते हैं हमारी सेकंड पार्ट के अंदर, हम टू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, एट एक्स इक्वल टू टू ले लिया, सो फंक्शन आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका एट टू पर आपका फाइव बन जाएगा फंक्शन। अब इसमें आपके पास देखिए फंक्शन आपका फाइव है, आप वैल्यू टू पर चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है, और आपके पास फाइव ही आंसर आ जाएगा, आप फंक्शन के अंदर डायरेक्ट टू पुट करेंगे तब भी आपके पास फाइव रहेगा, क्योंकि लिमिट आपकी एक्स टेंस टू टू फंक्शन एट फंक्शन इज इक्वल टू टू, आपके पास बोथ वैल्यूज आर इक्वल्स, किसके इक्वल्स है, ये फाइव के इक्वल्स है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू टू बन जाएगा आपके पास आपका, ठीक है, इट मीन्स फंक्शन जीरो पर भी कंटिन्यूस हो गया, आपका टू पर भी कंटिन्यूस हो गया। अब रहा क्या हमारे पास फंक्शन वन के बारे में, ठीक है, अब वन के बारे में हमें क्या करना होगा उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, कि वन पर हम किस प्रकार से चेक करेंगे, हम इसका थर्ड पार्ट के रूप में मान लेते हैं कि आपका ये थर्ड पार्ट हो गया इसका, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर आपके पास। अब क्योंकि वन के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड दोनों अलग अलग फंक्शंस बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सो आप फंक्शन की वन पर वैल्यू निकालना चाहिए, फंक्शन की वन पर वैल्यू इक्वल वन के लिए क्या, आपका फंक्शन एक्स है, ठीक है, एक्स के अंदर आपने वन पुट कर दिया, ये आ गया आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन आपके पास, फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स आपके पास एल माइनस पर बात कर रहा है, एल से लेस देन के लिए बात कर रहा है, एल से लेस सम आपके पास लेस देन के लिए फंक्शन क्या हो गया, आप एक्स हो गया, तो वन पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका वन बन जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही आप राइट हैंड के बारे में, राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, सम ग्रेटर वैल्यू के बारे में बात करनी है। इसके अंदर देखेंगे फंक्शन आपका क्या है, अगर हम वन से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, चाहे पॉइंट्स में ग्रेटर लें, तो फाइव आएगा, सो ये फाइव हो गया। सो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, आपके पास क्लियर, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी ख्याल रखना है, ऐसे कोई भी फंक्शन हमारे पास बनते हैं, जनरल मैं आपको अगर एक थोड़ी सी कैटेगरी के बारे में बताऊं, ठीक है, उनके अंदर हमेशा क्या रहता है, आपके पास कोई भी मान लीजिए आपको एफ एक्स फंक्शन दिया गया, ठीक है, और इसके दो पार्ट्स बनते हैं, एक जी एक्स और एक एच एक्स, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू यहां पर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल देन ए है, यहां लेस देन ए है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अगर आप कोई ऐसी वैल्यू देखना चाहते हैं जो ए से बड़ी है, उसके लिए यही फंक्शन बन गया, वो हमेशा मोस्टली कंटिन्यूसली बन जाता है। लेस देन के लिए कोई बात करना चाहते हैं, मान लीजिए ए से कोई लेस देन वैल्यू वी ले ली हमने, ठीक है, उसके लिए यही फंक्शन बन जाएगा, उसमें भी लेस आपका कंटिन्यूस बनने के 100% चांसेस बन जाते हैं। लेकिन जब आप ए पर डिस्कस करते हैं तो आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड आपको दोनों ही डिस्कस करने होते हैं, ठीक है, उन लेफ्ट एंड राइट हैंड के बारे में डिस्कस करने के बाद ही आपको क्लियर होगा, अगर वो वैल्यू इक्वल है मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड इक्वल हो, ठीक है, अगर नहीं इक्वल तो नॉट कंटिन्यूस होगा आपके पास, लेकिन अगर इक्वल हो, ठीक है, इट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है आपकी, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद आपको देखना होता है कि जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर आपका जो सॉरी ए वैल्यू पर आपका जो फंक्शन बन रहा है वो आपके पास फंक्शन की डायरेक्ट एक इक्वल आना चाहिए, तब आपके पास वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब इस चीज के अंदर हमारे पास ये आता है, या कई बार आपको किस टाइप के अंदर आते हैं इस प्रकार के फंक्शन, जी एक्स दे दिया गया इफ एक्स इक्वल ए, ठीक है, इफ एक्स नॉट इक्वल ए, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास लेफ्ट और राइट के लिए तो यही फंक्शन बन गया, हम सीधा डायरेक्ट चेक कर लेंगे, हमें सिर्फ ए पर चेक करना होता है कि जो ये वैल्यू आई है क्या वो इसी के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। ये मोस्टली इस टाइप के फंक्शंस के अंदर बनता है जहां आपके पास उनके जीरो होने के किसी ना किसी प्रकार से नॉट डिफाइंड फॉर्म टर्म बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम जो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स से, इसके अंदर मोस्टली आपके इसी टाइप के दो दो तीन तीन अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, उन्हीं के ऊपर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या कह रहा है, कहना फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। आपको इसमें देखिए सिक्स क्वेश्चन से आपको क्या कह रहा है, हमें फंक्शंस के बारे में पता करना है। फंक्शंस आपका क्या आ गया, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, ठीक है, इफ इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। हमें कहा गया फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड बाय, ठीक है, जहां फंक्शन आपको इस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं। अब इसके अंदर आपके पास क्योंकि फंक्शंस आपको अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, हमें डिसकंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यू है या नहीं है, ठीक है। तो आपके तीन केस हमें अराइज करने हैं इसके अंदर, तीन बने, जैसे ये दो पार्ट्स बन रहे हैं तो तीन केस अराइज हो जाएंगे, तीन बन रहे होंगे तो आपके पास ज्यादा केस अराइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, केस वन देखिए, आपके पास फंक्शन, ठीक है, या हम कह लें एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी और सी इज लेस देन टू, ठीक है, जो सी की वैल्यू है वो क्या आपके पास लेस देन टू पर है, बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास सो फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका लेस देन के लिए आपका फंक्शन 2x प्लस 3 ही बन जाएगा अकेला, ठीक है। तो इसके लिए हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पर हमारे पास फंक्शन आपका, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन आपके पास क्या है, आपका 2x प्लस 3 है, आपने x की जगह यहाँ 2 पुट किया, प्लस 3, 4 प्लस 3 आपकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। फिर आप क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर डायरेक्ट 2 पुट करते हैं, फंक्शन आपके पास 2x प्लस 3 है तो x की जगह 2 पुट किया आपने, तो 4 प्लस 3 आपके पास 7 वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंस लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन इक्वल फंक्शन एट 2, ठीक है, आपके पास सॉरी 2 की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी हम 2 के वो इक्वल 2 पर बात चल पड़ी हमारी, हमें 2 वैल्यू नहीं पुट करनी है, हमें c वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, हम c के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, 2c प्लस 3, ठीक है,
क्योंकि टू पर नहीं हम चेक कर रहे, हम सी पर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। वो टू वाला पॉइंट्स गलती से भरा गया हमारा, हमें सी पर चेक करना है, ठीक है। और सी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एट सी पर 2c+3 बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि सिंस लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन एंड फंक्शन एट c आपके इक्वल है 2c+3 के, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन एट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, c इज लेस देन 2 आपके पास, क्लियर, ये चीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट केस आपके पास आपका जो केस सेकंड बार राइज होता है, ठीक है, केस सेकंड के अंदर अगर हम देखें क्या बनेगा आपके पास, केस सेकंड आपने एट एक्स इज इक्वल टू सी पर लिया इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। सो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, सी वैल्यू है जो वो 2 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे, 2 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन आपका 2x-3, 2x-3, ठीक है। तो इसमें आपके पास सो आपके फंक्शन की वैल्यू एट सी पर क्या हो जाएगी, 2c-3 हो जाएगी। एंड लिमिट आपके पास x टेंस टू c पर, ठीक है, अगर हम देखें लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन आपका क्या है 2x-, ठीक है, इसके अंदर आपका फंक्शन 2x-3 है, ठीक है, आपने x की जगह c पुट किया तो 2c-3 बन गया, क्लियर। अब क्योंकि सिंस फंक्शन, ठीक है, एट c इक्वल लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन इक्वल टू c, आपके पास इक्वल्स है, ठीक है, फंक्शंस की वैल्यू लिमिट x टेंस टू c पर और फंक्शन एट c आपके दोनों के दोनों इक्वल्स हैं। सो इक्वल्स किसके हैं, 2c-3 के, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, सो इसलिए फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, कंटिन्यूस बन जाएगा एट x इक्वल टू c इज ग्रेटर देन 2 के लिए, क्लियर। एंड नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड केस अराइज क्या होगा, हमने 2 से लेस देन के लिए बात कर ली, हमने 2 से ग्रेटर देन के लिए बात कर ली, दोनों ही केस के अंदर आपके पास फंक्शंस क्या बन रहा है आपका, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर बन रहा है। ऐसे ही अब हमें चेक करना है 2 पर, ठीक है, थर्ड केस अराइज करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, कि थर्ड केस के अंदर आपके पास फंक्शंस क्या बनेगा उसके बारे में देखना है हमें। केस थर्ड, इसमें क्या कह रहे हैं, हम बात करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, फंक्शन तो आपका यही रहेगा क्योंकि इसमें आपके पास दो पार्ट्स बन रहे हैं, तो इसकी हम सबसे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट पर बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2-, मींस 2 से लेस देन वैल्यू के लिए देखना हमें, 2 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या आपका 2x+3 है, ठीक है, इसके अंदर हमने पुट कर देंगे आपके पास तो 2 × 2+3 मींस 4+3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, इसके अंदर देखिए लिमिट x टेंस टू 2+ मीन 2 से बड़ी की वैल्यू के लिए देखना है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आपका 2x-3 है, आपने इसके अंदर पुट किया x 2 × 2 = 4-3 1। अब सिंस क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसलिए लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, फंक्शन आपका 2 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, क्लियर। अब इसी टाइप से हम देखते हैं हमारे पास आगे नेक्स्ट हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमें किस प्रकार से करना होगा वो देखेंगे। उसके अंदर आपके पास फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए आपको फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन कह रहा है इसके अंदर तीन पार्ट्स कर रहा है, मॉडुलस x+3 -2x and 6x+2, इफ x इज लेस देन इक्वल देन -3, इफ x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 आपके पास, क्लियर। यहां आपके पास इन्होंने तीन पार्ट्स बना दिए, तो आपके पास यहां से हमें थोड़ा सा अगर हम अराइज कर रहे हैं, हमारे पास सोचने की कोशिश करें, तो आपके पास कई केस बन अराइज होंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है, उनके बारे में हमें चेक करना होगा। अब इसमें केस कितने बनेंगे उस पर मेन बात करते हैं हम इसके अंदर। इसमें सबसे पहला केस आपका क्या बनेगा, खुद इसके अंदर करके देखेंगे, केस 1, ये काम आपको खुद ट्राई करने है आपको, ठीक है। आपके पास ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको आप सिंपली पहले अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है, बदलना किस तरीके से चाहे आप बदल सकते हैं आपका ये, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -3 से लेस देन है, -3 से लेस देन मतलब -4, -5, -6 ये वैल्यूज बनेंगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू ही बनेगी, नेगेटिव को मॉडुलस पॉजिटिव करता है, तो आप इसको -x लिख सकते हैं डायरेक्ट, -2x 6x+2, ठीक है, इफ इफ इफ
एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, एक्स आपके पास इज ग्रेटर देन माइनस थ्री लेस देन थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन थ्री। पहला केस आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू सी पर और सी की वैल्यू इज ग्रेटर लेस देन इक्वल देन माइनस थ्री, इससे माइनस थ्री से छोटी वैल्यू है आपके पास ही, ठीक है। लेस देन की बात करेंगे, इक्वल देन का भी सिंबल नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, लेस देन के लिए, क्योंकि इक्वल देन के लिए तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, उसके लिए अलग बन जाता है। एक्स इज आपके पास सी माइनस थ्री से लेस देन है, तो इसमें आपका फंक्शन क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। आप इसमें चाहें तो डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, ठीक है। नाउ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सो इट इज, सो एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, ठीक है। आपका कोई जरूरी नहीं आपको पूरा का पूरा केस ही राइज करना है, ठीक है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। केस सेकेंड हम ले लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी आपके पास, ठीक है, और सी की वेयर सी के आपके पास क्या बनेगा, जो सी की वैल्यू है वो माइनस थ्री से ग्रेटर देन एंड थ्री से लेस देन, मीन्स इन दोनों के बीच में लाई करती है, तो इसके लिए फंक्शन आपके पास क्या बन गया, ठीक है। सो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, ठीक है, आपके पास सेम यही चीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिंस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, सो एफ इज ए कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। एंड केस थर्ड आपका, ठीक है, हम तीन से बड़ी वैल्यू के लिए ले लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर सी इज ग्रेटर देन थ्री आपके पास, ठीक है, एंड सो फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा आपका, सिक्स एक्स प्लस टू, ठीक है। अब वही सेम कारण, सिंस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हमारे पास, ठीक है, हमने एग्जांपल के अंदर इस कंसेप्ट को प्रूफ भी किया था कि आपके पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। ये हमने अपने पहले तीन पार्ट्स के अंदर आपने याद होगा आपको, जिसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 14 था ये, ठीक है ना, सिंस एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लियर, सो एफ इज कंटिन्यूस, सो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी पर आपके पास, क्लियर। अब आगे देखें हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, सॉरी इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट देखेंगे। आपने इनसे लेस देन, इनके बिटवीन और ये बात कर ली, अब बात रहेगी आपके पास इन जिन पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि माइनस थ्री पर आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग अलग फंक्शन है, तो हमें इन दो पार्ट्स के अंदर भी यहाँ पर बात करनी होगी। केस फोर्थ आपका राइज होगा, ठीक है, केस फोर्थ देखेंगे, केस फोर में हमें क्या कह रहा है उसके बारे में देख बात करते हैं। केस फोर, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, सो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, इसके दो पार्ट्स होगी, माइनस एक्स प्लस थ्री एंड माइनस टू एक्स। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन लेस देन इक्वल देन माइनस थ्री, इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, ठीक है, क्योंकि एक्स यहां से माइनस थ्री के लिए माइनस टू एक्स फंक्शन हो गया। अब इसके लिए चेक करना हमें, अब इसमें चेक करना है तो आपके लिए क्या बन जाएगा ये, इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री फंक्शन, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो माइनस थ्री से लेस देन के लिए, और माइनस थ्री से लेस देन के लिए फंक्शन आपका क्या बनेगा, ठीक है, माइनस थ्री से लेस देन के लिए फंक्शन क्या आपका, माइनस एक्स प्लस थ्री, इसके अंदर हमने एक्स की जगह माइनस थ्री रखा, ठीक है, और बाहर आपके पास माइनस का सिंबल है प्लस थ्री, थ्री थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री आपके पास क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव, सॉरी माइनस थ्री पॉजिटिव, मीन्स माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन देखना है आपको, ठीक है, इसमें एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव के लिए देखेंगे, तो माइनस थ्री से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या आपका, माइनस टू एक्स, इसको माइनस टू को हमने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, सिक्स आ गया, ठीक है। अब सिंस आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सो लिमिट आपकी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है, एंड आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या बन गया, सिक्स वैल्यू बन गई। नाउ, ठीक है, फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पर, मीन्स फंक्शन के अंदर हम माइनस थ्री वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल के लिए आपका फंक्शन क्या है, माइनस एक्स प्लस थ्री है फंक्शन, तो माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री, मीन्स थ्री प्लस थ्री क्या हो गया,
सिंस हो गया, सिक्स हो गया सॉरी, ठीक है। अब बिकॉज आपका जो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री फंक्शन इक्वल टू फंक्शन क्या चीज है, माइनस थ्री के इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। सभी केस पर, चार केस अभी तक हमने राइज किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, चारों पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। इनसे लेस देन पर बात की उसमें कंटिन्यूस आया, बिटवीन बात की, ग्रेटर देन पर बात की, ठीक है। चौथा आपके पास माइनस थ्री इक्वल पर फंक्शन अलग अलग थे, उस पर भी कंटिन्यूस बना। पांचवा आपके पास तीन के लिए फंक्शन अलग अलग है, ठीक है, इक्वल थ्री के लिए, तो इसमें पांचवा केस आपका राइज होगा एट एक्स इक्वल टू थ्री पर, ठीक है। हम फिफ्थ केस की बात करेंगे इसके अंदर, क्लियर। अब फिफ्थ केस के अंदर देखते हैं कि आपको क्या कह रहा है ये, क्या नहीं। फिफ्थ केस आपके पास एट एक्स इक्वल टू थ्री पर बात करनी है, सो फंक्शन क्या बन जाएगा हमें, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल देन, ठीक है, थ्री के बारे में बात करनी है, ग्रेटर देन इक्वल देन थ्री के बारे में बात करनी है, तो उसके लिए फंक्शन क्या आपका सिक्स एक्स प्लस टू, ठीक है। और आपके पास थ्री से लेस देन के लिए बात करनी है, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन आपके पास क्या है, माइनस टू एक्स है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, माइनस थ्री से लेस देन के लिए देखेंगे, थ्री से लेस देन के लिए फंक्शन आपके पास क्या है, थ्री से लेस देन के लिए, ठीक है, फंक्शन क्या आपका माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस टू एक्स फंक्शन है। और माइनस टू एक्स होने के कारण इनकी कैलकुलेशन क्या बन जाएगी आपकी, अगर हम यहां पर देखते हैं, माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है। और आपके पास फिर थ्री ग्रेटर देन के लिए बात करनी है, थ्री पॉजिटिव पर बात करनी है, और थ्री पॉजिटिव जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए फिर कैलकुलेशन क्या बनती है, फंक्शन क्या, सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या, थ्री से ग्रेटर देन के लिए सिक्स एक्स प्लस टू, आपने इसमें एक्स की जगह थ्री रखा प्लस टू, तो एट्टीन प्लस टू कितनी बन गई वैल्यू, ट्वेंटी बन गई। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई ट्वेंटी, और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस सिक्स। अब क्योंकि आपके पास यहां पर क्या हो गया, अब इस केस के अंदर, ठीक है, हमें बाकी कुछ भी राइज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, सो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पर, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास थ्री पर कंटिन्यूस नहीं है, क्लियर। ऐसे ही अब देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट के अंदर भी आपके पास सेम यही चीजें हमें दी गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट आपको कह रहा है फंक्शन मॉडुलस एक्स बाय एक्स, ठीक है, जीरो इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर हम इसको दो पार्ट्स के अंदर तोड़ेंगे, आपके पास इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आपका जीरो ही है, लेकिन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स इज लेस देन जीरो तो क्या होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, मान लीजिए ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव मतलब एक्स ही आएगा बाय एक्स, तो कटकर कितना हो गया वन, ठीक है। और अगर आपके पास ये लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे बाय एक्स, तो क्या वैल्यू बनी, माइनस वन बनी आपके पास। तो आप उसी चीज के अकॉर्डिंग हमें राइज करते हुए केस चेक करना है इसको, ठीक है। आपके पास लेस देन ग्रेटर देन के लिए तो फंक्शन अलग अलग बन रहे हैं, तो उस पर तो फंक्शन कंटिन्यूस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। केस वन, इसके अंदर एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी आपके पास, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास लेस देन जीरो के लिए, सो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, माइनस वन, ठीक है। फंक्शन, सिंस फंक्शन इज ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का फंक्शन है ये, सो एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है, एफ आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। एंड केस सेकेंड आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन जीरो, सो फंक्शन आपके पास जीरो के ग्रेटर देन के लिए क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, ठीक है। और इस केस के अंदर आपके पास क्या हो गया, क्योंकि वन से ग्रेटर देन कोई भी, जीरो से ग्रेटर देन कोई वैल्यू लेंगे उसके लिए यही फंक्शन बनना है, ठीक है। सेम आपके पास रीजन, क्योंकि फंक्शन इज ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लियर। सो एफ इज कंटिन्यूस आपके पास, ठीक है, एफ आपका क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू पर, सी पर। अब थर्ड केस इसके अंदर क्या राइज होगा आपका, ठीक है, हम जब थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस आपके पास क्या बन जाएगा, केस नंबर तीन, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर,
इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो से लेस देन के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन सोचेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है, वन, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा आपके पास। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। आप पहले लिखना चाहे तो ये भी मेंशन कर सकते हैं, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पहले ये लिख लीजिए चाहे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती लिमिट, एग्जिस्ट नहीं करती, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्लियर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास सेम ऐसा ही मेथड हमें दिया गया, ठीक है, आपके पास फंक्शंस को लिखने का, इन्हीं को कहने का तरीका बदला गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू आपके पास, ठीक है, यहां पर जो मेंशन कर रहे हैं, कह रहा है अगर x की वैल्यू 0 से लेस देन हो, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो x बाय मॉडुलस x होगा, ठीक है, और अगर आपके पास x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल देन होगी, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब उसी चीज के अकॉर्डिंग अगर हम इसको आगे तोड़ते हैं, पार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये अगर हम देखें यहां पर, आपके पास इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, ये तो माइनस वन है, लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस एक्स रखेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस वन बन गया आपका फंक्शन, ठीक है। अब इसके केस वन, लेस देन जीरो के लिए देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूस, ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस, सेम कंसेप्ट आपका, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर केस थर्ड, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों के अंदर ही आपका जो फंक्शन है वो माइनस वन बना, ठीक है, माइनस वन बनेगा, माइनस वन बनने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल होगी तो लिमिट आपके पास क्या करगी, एग्जिस्ट करगी, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। मीन्स हम इसके अंदर क्या कह देंगे, नो पॉइंट ऑफ, ठीक है, कि इसके अंदर क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि पॉइंट बताओ डिसकंटिन्यूटी के, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, क्लियर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन है वो 9 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं, आगे आप इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को आगे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप एक बार खुद भी ट्राई करके देखें ताकि आपको पता चले कि आपके जो आप कर रहे हैं, जो ढंग आप यूज कर रहे हैं उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही आपसे, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के इसको जरूर शेयर करें, और अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।